आइए इस्तकबाल करें हमारे कायद आपके कायद जनाब नवाज शरीफ। सारे पीछे हो जाए, कैमरे में नहीं आता, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुजरांवाला के शेरों गुजरांवाला के बहादुरों गुजरांवाला जरूरतमंदों गुजरांवाला के कानूनदानों मेरी प्यारी बहनों भाइयों नौजवानों अस्सलाम वालेकुम। ये मैं क्या मंजर देख रहा हूं आज गुजरांवाला में, मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो आज लॉन्ग मार्च का वो दिन याद आ रहा है जब हमारा काफला गुजरांवाला पहुंचा था और गुजरांवाला काफला आकर रुक गया था। गुजरांवाला के हमारे शेर जीटी रोड पे नवाज शरीफ का इंतजार कर रहे थे और गुजरांवाला में आवाम ने गुजरांवाला के शेरों ने बबांगे दोहल उस दिन यह ऐलान किया कि इस्लामाबाद के हुक्मरानों अगर गुजरांवाला के आवाम गुजरांवाला के बहादुर आवाम गुजरांवाला के शेर इस काफले में दाखिल होकर इस्लामाबाद की तरफ अगर निकल पड़े तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हें इस्लामाबाद से बाहर निकालना पड़ेगा। गुजरांवाला तो शेरों का शहर है, पहलवानों का शहर है। पहलवानों का शहर है या नहीं है? वो कहते हैं ना गुजरांवाला दे पहलवान खांदे गिरियां दे बादाम और मारन मुकी कटन जान। मेरे भाइयों नवाज शरीफ को आप पर फख्र है, नवाज शरीफ को आप पर फख्र है। और क्यों फख्र है? गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का कला है, कला था, आज भी है, इंशाल्लाह कल भी रहेगा। इस कले में कोई नकब नहीं लगा सकता। कोई लगा सकता है नकब इस कले में? मेरे भाइयों ये जो आप जानते हैं कि ये जलसा पैगाम है, ये जो आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर है, ये वाकई ठाठे मारता हुआ समंदर है। आजकल तो छोटी सी जलसी होती है जलसी, उसको भी कहते हैं ठाठे मारता हुआ समंदर है। अभी तो वो बाहर लोग जिनकी वजह से मैं आज यहां पर ताखीर से पहुंचा, रास्ते में रुका रहा, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। हर 10 कदम पे मेरी गाड़ियां रुक गई, इसलिए मैं यहां देर से पहुंचा हूं। वो लोग पता नहीं अभी रास्ते में होंगे, वो अंदर नहीं आ सकते, अंदर कहां आके बैठेंगे। अल्लाह के फजल करम से गुजरांवाला ने आज वो काम कर दिखाया है कि ये नए नए आने वाले लोग सब भाग जाएंगे। ये ख्वाजा आसिफ खड़े हैं, ख्वाजा आसिफ ये भी यही बात कर रहे हैं। मैं तो लाहौर से गुजरांवाला की बात कर रहा हूं ना, ये सियालकोट से गुजरांवाला की बात कर रहे हैं। रास्ते में दुनिया ही दुनिया है। अल्लाह के फजलो करम से हमारी नियत नेक है,
ये हमारे वोटर सपोर्टर, ये पाकिस्तानी हैं, पक्के पाकिस्तानी हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में मर मिटने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, गुजरांवाला ने नवाज शरीफ की उस वक्त भी लाज रखी थी जब लॉन्ग मार्च हुआ था, और आज भी लॉन्ग मार्च से कम नहीं है ये काम। आज भी मैं उसी तरह की मिनी लॉन्ग मार्च रास्ते में देखकर आया हूं, और ये जज्बा अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। ये जज्बा सलामत रहे तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये जज्बा सलामत है तो पाकिस्तान की सत्ते खैरा है, सत्ते खैरा है। लेकिन दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। मैं आज यहां कुछ दिल की बातें भी करने आया हूं आपसे, दिल की बातें करने आया हूं। इन बातों को जरा गौर से सुनिए। नवाज शरीफ आज गुजरांवाला में बहुत देर के बाद आया है, और गौर से सुने, आज पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? जरा पूछो अपने जहन से, कितने साल हो गए? 64 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए। आज पाकिस्तान की उम्र 64 साल हो गई है, 64। मेरे भाइयों, मुझे ये बताओ कि आज इन 64 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया? आज मैं अगर गुजरांवाला में आया हूं तो एक पैगाम लेके मैं भी आया हूं। क्या पाया, क्या खोया? आज पाकिस्तान, उसी तरह पाकिस्तान के आवाम महरूमियों का शिकार हैं। यहां बहुत सारे लोगों को दो वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, उनके बाल बच्चों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। यहां पर पाकिस्तान में पीने का साफ पानी नहीं है, और बिजली के अंधेरों में यह मुल्क डूबा हुआ है, गैस से चूल्हे बंद हो गए हैं, लोगों को रोटी पकाने के लिए गैस नहीं है। मेरे भाइयों, बेरोजगारी ने लोगों का जीना धोबर कर दिया है, गुर्बत ने आवाम को मार डाला है, और पाकिस्तान के अंदर ना तालीम है, ना सेहत की सहूलतें हैं, पैसा नहीं है। और उसके बाद आज पाकिस्तान को जो आता है उसकी सरजमीन को बमाल करता है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को बमाल करता है, और पाकिस्तान दुनिया में आज तन्हा है। आज रेलवे बंद है, आज पीआईए बंद है, आज स्टील मिल बंद हो रही है। मुझे बताओ कि इन 64 सालों में हमने पाकिस्तान को इस तरह का पाकिस्तान बना दिया है कि आज कायदे आजम की रूह भी तड़पती होगी, सोचती होगी कि यह पाकिस्तान किस तरह का पाकिस्तान बन गया है। दहशतगर्दी है, लोग खुद कुछ धमाके के जरिए से मरते हैं, गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान का मजाक उड़ाती हैं, हम अदालतों का कहना नहीं मानते, हम कौमी असेंबली और पार्लियामेंट को बिल्कुल हमने घर की बांदी बना दिया है, और पाकिस्तान के अंदर मिस गवर्नेंस है, बदनवानी अरूज पर है, पाकिस्तान में करप्शन अरूज पर है, और सुप्रीम कोर्ट पैसे जेब से वापस निकलवाती है, और वो पैसे वापस दिए जाते हैं, लेकिन देने वाला वजीर इस्तीफा नहीं देता। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है। और हम यही आज तक हम हुकूमत को समझाते रहे, हमने कहा कि सही लाइन पे आओ, और पाकिस्तान से ये तमाम खुर्द बुर्द करप्शन को खत्म करो। मेरे भाइयों, जब ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर उठ गए हैं, और आज उस वक्त भी उठे थे जब ये जजों को बहाल नहीं कर रहे थे, हमें यहां लॉन्ग मार्च के लिए आना पड़ा। क्या मैं उस वक्त हुकूमत का दोस्त था? पंजाब की हुकूमत तोड़ दी उन्होंने, शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर दी, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये लोग जो है, इनसे हमने बिल्कुल आमने सामने आ गए। हमने कहा जहां असूल है वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, वहां कोई समझौता नहीं हो सकता। आज मैं ये जो बातें कर रहा हूं बड़े दर्द दिल के साथ कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि मैं ये लोग पाकिस्तान के साथ खेलते रहे, आवाम की गुर्बत के साथ खेलते रहे, अपनी तिजोरियां भरते रहे,
अपनी जेबों में कौम का पैसा लूट मार का पैसा डालते रहे और ये हुकूमत करते रहे। अब ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं होगा। क्या फैसला गुजरांवाला के आवाम का? यहां मेरे भाइयों, यहां और फिर सुनो, कहते हैं बिजली के रेट बढ़ा देंगे, कहते हैं बिजली के रेट बढ़ाएंगे और तेल के रेट बढ़ाएंगे, गैस के रेट बढ़ाएंगे। ये रेट भी बढ़ाते रहते हैं, ना गैस आती है ना बिजली आती है, बिल पहले से ज्यादा आता है। मैं सच बोलता हूं या झूठ बोलता हूं? अगर ये बिजली के रेट बढ़ाएंगे तो क्या फिर आप चैन से बैठेंगे? मैं तो चैन से नहीं बैठूंगा। अगर ये गैस के रेट बढ़ाते हैं तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और अगर ये पाकिस्तान के हुक्मरान करप्शन को खत्म नहीं करते तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे भाइयों, ये साल का 400 अरब रुपया, हर साल 400 अरब रुपया जो आपके खून पसीने की कमाई है, आपके खून पसीने की कमाई है, 400 अरब रुपए ये जाय कर देते हैं और उसके बाद कशकोल लेकर दुनिया के पास जाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और पैसा दो। इन्होंने कौम को भिखारी बना दिया है। मुझे ये कबूल नहीं है। ये पाकिस्तानी कौम भिखारी नहीं है, ये खुददार कौम है, खुद मुख्तार कौम है। ये कभी बिहारी भिखारी नहीं बनेगी। आप जानते हैं हमने ये मोटरवे ये भीख मांगकर तो नहीं बनाई, हमने एटमी पावर बने, वो भीख मांगकर एटमी पावर बने थे हम। हम अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह ताला पे हमारा ईमान है, अपने खून पसीने की कमाई से हमने ये तमाम डेवलपमेंट की है, खून पसीने की कमाई से इस मुल्क को तरक्की दिलाई है। और आज भी हम इस मुल्क को अगर कोई भिखारी बनाना चाहता है, हम उसके अजायम को खाक में मिला देंगे। मेरे भाइयों, आज एक बड़ा नाजुक वक्त है। मैं समझता हूं इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जो आता है हमें जो है वो मार के तो भाग जाता है, वापस चला जाता है और हम देखते रह जाते हैं। भाई, जो एबटाबाद में हुआ है वो इस कौम के लिए नाकाबले बर्दाश्त है। वो कौम जिसने एटमी धमाके किए हो, वो कौम जिसने किसी की ना मानी हो, जिसने क्लिंटन के पैकेज को ठुकरा दिया हो, उसके 5 अरब डॉलर के पैकेज को ठुकरा दिया हो, वो कौम क्या कभी बेगैरती बर्दाश्त कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, आप जानते हैं उस वक्त पाकिस्तान की कितनी इज्जत थी। खुद हिंदुस्तान का वजीर आजम आया नवाज शरीफ के पास, आओ हमसे सुलह कर लो। मीनारे पाकिस्तान गया हिंदुस्तान का वजीर आजम और उसने पाकिस्तान की मोहर को तस्लीम किया। तस्लीम किया या नहीं किया? तस्लीम किया पाकिस्तान की मोहर को। क्लिंटन ने, अमेरिका ने, दुनिया ने पाकिस्तान को 7वीं एटमी कुवत तस्लीम किया या नहीं किया? किया, किया। और पाकिस्तान की अपनी मोहर साबित हुई दुनिया के अंदर। आज पाकिस्तान का अगर ये हाल है तो हम इस हाल को तस्लीम नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे। ऐसी किसी हुकूमत को नहीं मानेंगे जो पाकिस्तान का ये हाल कर दे। आप मुझसे वादा करें, हम इंशाल्लाह वही वक्त वापस लेके आएंगे और उसी जगह से आगे अपना सफर शुरू करेंगे। हम पाकिस्तान को एक बाइज्जत बातौकीर मुल्क बनाएंगे। दुनिया की 7वीं अगर एटमी कुवत है तो इंशाल्लाह दुनिया की पहली इक्तसादी कुवत भी पाकिस्तान को हम बनाएंगे। मेरे साथ कहो इंशाल्लाह, जोर से मेरे साथ कहो इंशाल्लाह। इस मुल्क के अंदर तो बहुत कुछ है। इस मुल्क को अल्लाह ने बेपनाह वसाइल दिए हैं। देखो ग्वादर से लेकर चित्राल तक, ये मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने क्या नेमतें बख्शी हैं। हमने इस मुल्क को सही तरह चलाया नहीं है और आज भी आज देख रहे नए नए लोग आजकल इस ये नौजवानों को वरगलाने के लिए मैदान में आ गए। ये नौजवान अल्लाह के फजल करम से
یہ نواز شریف کا نوجوان ہے، یہ نواز شریف کے سپاہی ہیں، انشاءاللہ یہ نواز شریف کے سپاہی، ہم ان کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت خوشحال مستقبل دیں گے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایسے کام کریں گے، ان کی جو ڈگریاں ہیں انشاءاللہ ان کے کام آئیں گی۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں آج پھر یہاں پر یہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ بھائیوں کو کہ بھائی تیاری کر لو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نواز شریف پاکستان کی خدمت کے لیے آئے گا، اور پھر آپ کے ہاتھوں میں صرف ڈگریاں نہیں رہیں گی بلکہ انشاءاللہ ایک باعزت روزگار آپ کو ملے گا، اور ہم آسان شرطوں پہ قرضے دیں گے یا بغیر سود کے قرضے دیں گے، بغیر منافع کے قرضے دیں گے، آپ اپنے لیے کاروبار چلاؤ گے، کاروبار بناؤ گے چلاؤ گے، اپنے خاندان کا پیٹ پالو گے اور دوسروں کو بھی روزی کے لیے انتظام کرواؤ گے۔ میں تو یہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں، اور تعلیم میں بھی انشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب میں ان تمام میرٹ پہ آنے والے لڑکوں کو 1,00,000 لیپ ٹاپ دینے والے ہیں، 1,00,000۔ بھائی میرے دوستو بیٹھ جانا آپ، میرے بھائیوں سوئی گیس نہیں آتی، خدا کی قسم میں دعویٰ نہیں کرتا، بجلی نہیں آتی میں دعویٰ نہیں کرتا، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت ہوتی آج بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوتا، ہماری حکومت ہوتی گھروں میں گیس آ رہی ہوتی، اور پاکستان میں اللہ نے بے پناہ گیس دی ہے، ہم جو ہے وہ LNG منگواتے وہ آپ تک پہنچاتے، پاکستان کے لوگ ہمارے لیے نمبر 1 پرائرٹی ہے۔ نواز شریف اگر کسی کو دل سے چاہتا ہے، نواز شریف اگر کسی پہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے، نواز شریف اگر کسی سے دل سے محبت کرتا ہے تو یہ پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کے نوجوان ہیں، یہ گجرانوالا کے شیر ہیں، شیر۔ گجرانوالا کے شہروں اب وقت قریب ہے، اب دور کی بات نہیں ہے، یہ صبر آزما امتحان اب ختم ہونے والا ہے، ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، انشاءاللہ انقریب ہوگی، جو پاکستان کے بہترین دماغ ہیں، جو پاکستان کے بہترین لوگ ہیں، جو کرپشن سے پاک ہیں، یہ خواجہ آصف ایک آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ پاکستان کا بہترین دماغ ہے، کرپشن سے پاک ہے، یہ اپنا ہمارا خرم یہ کرپشن سے پاک ہے، بہترین دماغ ہے، اور پھر عثمان ابراہیم میرا ساتھی یہ ہر قسم کی کرپشن سے پاک ہے، پاکستان کے یہ چودھری نثار علی خان اسحاق ڈار، اور پھر یہ ہمارا نوجوان جو ہے احسن اقبال، یہ دیکھیں بہترین وکیل ہے یہ ہمارا، اور سب بیٹھے ہوئے ہیں، بتاؤ کسی پر کرپشن کا کوئی داغ ہے؟ بولو کسی پہ کرپشن کا داغ ہے؟ شہباز شریف پہ کرپشن کا کوئی داغ ہے؟ اور شہباز شریف اللہ کے فضل پنجاب کی حکومت پہ گجرانوالا کے شہروں آپ کو فخر ہونا چاہیے، یہ وہ حکومت ہے جو ہر قسم کے کرپشن کے داغ سے پاک ہے، صاف ہے، اور یہ دیکھیں وفاقی حکومت کا ان کے ساتھ مقابلہ موازنہ آپ کریں۔ نوجوانوں میں دیکھ رہا ہوں نیچے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جذبہ سلامت رکھے، نواز شریف انشاءاللہ اس جذبے کو پاکستان کے لیے استعمال کرے گا، اور آپ
मैं बताना चाहता हूं हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर एनर्जी भी आएगी और हमारे पास हम शुगर मिलों से एनर्जी लेंगे, हम छोटे छोटे डैम बनाएंगे, हम बड़े डैम बनाएंगे, हम अल्लाह के फजल करम से यहाँ थर्मल पावर प्लांट और फिर विंड मिल्स का भी इंतजाम करेंगे। इंशाल्लाह वो वक्त फिर दोबारा लौटेगा जैसे माजी में था। हिंदुस्तान हमसे बिजली हासिल करने की कोशिश कर रहा था, उसने कहा हमारे पास इतनी वाफर बिजली थी कि हम हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट कर रहे थे, करना चाह रहे थे। इंशाल्लाह दोबारा वो वक्त आएगा। आप इन लोटो शोटो की परवाह मत करें, ये मुशर्रफ की टीम अब कहीं और जा रही है, ये काफ लीग अब कहीं और जा रही है, ये है असल पाकिस्तानी असूल पसंद मुहिब वतन। ये गुजरांवाला के नौजवान, गुजरांवाला की बहनें और गुजरांवाला के बुजुर्ग, ये पाकिस्तान असली इस मुल्क को बनाने वाले ये लोग हैं, ये पाकिस्तान पे मरने मिटने वाले लोग हैं। मुझे तुम पर फख्र है, इंशाल्लाह यही वो लोग हैं जो मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब लेकर आएंगे। इनकलाब मेरे साथ आपने लाना है, और उसी तरह का इनकलाब जब हमने पाकिस्तान की तकदीर बदली थी, अदली आजाद हुई थी और गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने बैठ के उसका ऐलान सुना था। गुजरांवाला के लोगों, इंशाल्लाह मुझे तो ये जज्बा देखकर मेरा दिल चाहता है मैं सुबह शहबाज शरीफ को यहां भेजूं। शहबाज शरीफ को भेजूं, उसको कहूं, उसको मैं ये कहूं, शहबाज शरीफ जाओ, गुजरांवाला जाओ, इन नौजवानों से मिलो, इन शेरों से मिलो, इन बहादुरों से मिलो, इन पहलवानों से मिलो, पूछो ये क्या चाहते हैं और जो चाहते हैं वो उनको देख रहो, और कंजूसी मत करना, जो चाहते हैं वो खुले दिल से देख रहो। ये जज्बा तो जब तक है पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। भाई मैंने जज्बा ये नहीं पहले कभी देखा गुजरांवाला में। मैं कितनी दफा गुजरांवाला आया हूं, कितनी दफा आया हूं गुजरांवाला, कहते हैं बाहर आवाम का सैलाब है, सैलाब बाहर आवाम का सैलाब है, ये सैलाब इन सब ये जो वर्ल्ड 11 है तू से सबको बहा के ले जाएगा। जीटी रोड भी आज बंद है, ब्लॉक हो गई है, और गुजरांवाला के हर मोहल्ले में, गली में, सड़क पे अवाम ही अवाम है, मुस्लिम लीग नून के झंडे हैं। मेरे भाइयों, नवाज शरीफ तो आपको इस जज्बे पे सलूट कर दिया है, सलूट 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 कर दिया है। ओ कहते हैं ना पंजाबी में, बुझने वाले वाले हो, ओ दिल कुछ कर देता जी, दिल कुछ कर देता जी। मेरे भाइयों, हमारा तब्दीली का एजेंडा तैयार है। आप जानते हैं हमने दिल से पहले भी पाकिस्तान की खिदमत की है, दो ढाई साल से ज्यादा नवाज शरीफ को किसी ने नहीं दिए, और हमने इस मुल्क के अंदर तब्दीली हम लेकर आए। वो देखो मोटरवे, वो भी ढाई सालों में बनवा दी हमने, वो 20-20 सालों में मंसूबे मुकम्मल नहीं होते इस मुल्क में। वो जीटी रोड नहीं है, जीटी रोड तो आज तक बन रही है, जब से पाकिस्तान बना है जीटी रोड भी बन रही है। तो वो मेरे भाइयों, अभी इतना रास्ता गुजरांवाला और लाहौर के दरमियान, हम रास्ते में गाड़ी में बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि गुजरांवाला से लाहौर के लिए एक नई सड़क बनाई जाए। ऐसा कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। मैं शहबाज शरीफ साहब को जब कहता हूं कि यहां जाओ, वो भी सड़क पे आए, ट्रैफिक देखे, ये ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चुकी है,
एक ऐसी सड़क बननी चाहिए ख्वाजा साहब जो सियालकोट से लाहौर जाए और फिर एक सड़क जो है वो गुजरांवाला से सीधी लाहौर जाए। बड़ा जज्बा है, बड़ा जज्बा है, ये जज्बा कहीं और नहीं देखा, ये और नहीं देखा, कभी कहीं और नहीं देखा। ये जज्बा मुल्क में तब्दीली का पेश खैमा है, तब्दीली का पेश खैमा है। हमने इस मुल्क को पहले भी तब्दील किया है, हमने इस मुल्क को मुआशी तरक्की दी है, हमने इस मुल्क के अंदर जो है वो हमने इदारों को मजबूत किया है, इदारों को बहाल किया है और आइंदा भी तब्दीली। ये जो लोग कहते हैं, मैं आज गुजरांवाला में दोबारा दोहराना चाहता हूं कि हम तब्दीली लाएंगे, ऐसी तब्दीली लाएंगे कि सबज पासपोर्ट की इज्जत होगी। और भाई सबज पासपोर्ट की इज्जत तो उसी दिन हो गई थी जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मुकाबले में 5 के मुकाबले में 6-8 धमाके किए थे, हुई थी या नहीं हुई थी, बोलो तब्दीली आई थी या नहीं आई थी, सबज पासपोर्ट की इज्जत हुई थी या नहीं हुई थी। और आज मैं आपको ये कहने आया हूं, हमारा एजेंडा तब्दीली का है। सबसे पहले तवज्जो एनर्जी पे होगी, सबसे पहले तवज्जो बिजली पर होगी। यहां सनतें बंद हो रही हैं, फैसलाबाद में सनतें बंद हो रही हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं और सबसे पहले हम पाकिस्तान में बिजली को इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे, गैस को ठीक करेंगे, मुल्क में सरमायाकारी लाएंगे। और दूसरे लोग तो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी लोग बाहर से पैसा भेजते हैं हम उसको उस पर टैक्स लगाएंगे। ये है तुम्हारा प्रोग्राम कि वो पाकिस्तानी ओवरसीज उनके पैसे को टैक्स लगाओगे। कितने दुख और कितने अफसोस की बात है, उनको नहीं मालूम, उनको मालूम नहीं है कि मुल्क कैसे चलते हैं, उनको नहीं मालूम कि हुकूमतें कैसे चलाई जाती है, उनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान के लोगों की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। मेरे भाइयों, हमने तो दिफा में भी काम किया, हमने तो इक्तिसादी तरक्की में भी काम किया, हमने आपके लिए ग्रीन चैनल खोले, जो पाकिस्तानी बाहर से आएगा उसको अपने एयरपोर्ट के ऊपर बक्से खुलवाकर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो आए इज्जत से उसको यहां पर रिसीव किया जाए, इज्जत के साथ उसके साथ सलूक किया जाए और वो एक अपने आप को एक प्राउड पाकिस्तानी समझे। मेरे भाइयों, हमारा तो प्रोग्राम ये है और फिर अल्लाह के फजल करम से हम आएंगे, इस सरप्लस डेट को इंशाल्लाह हम फिल फॉर खत्म कराने के लिए इकदाम उठाएंगे ताकि पाकिस्तान के मसाइल हल हों। आज तो हर रोज 200 करोड़ रुपया, आज तो हर रोज क्यों ख्वाजा साहब 200 करोड़ के नोट छापे जाते हैं और इसीलिए तो महंगाई है, महंगाई इसलिए तो है। यहाँ कहते हैं जनाब आटा महंगा है, आटा महंगा है, शहबाज शरीफ जिम्मेदार है। भाई शहबाज शरीफ कैसे जिम्मेदार होगा, उसकी गंदम की कीमत तो मरकजी हुकूमत फिक्स करती है और जितनी फिक्स करेगी, जितनी उसको बढ़ाएगी उतना आटा महंगा होगा। मेरे भाइयों, कहते हैं पॉलिसियां उनके हाथ में है, कहते हैं गोश्त महंगा है। भाई गोश्त क्यों नहीं महंगा होगा, जब बकरे गाय उनका गोश्त मुल्क से बाहर जाएगा, मुल्क से बाहर बरामद होगा तो पाकिस्तान के अंदर गोश्त महंगा होगा, होगा या नहीं होगा। तो वो पॉलिसी तो वफाकी हुकूमत के हाथ में है, तो इसलिए मैं समझता हूं वफाकी हुकूमत जो है वो इसका मलबा सूबाई हुकूमत में मत डाले। अल्लाह के फजल करम से हमारी नीयत नेक है, नवाज शरीफ तो इस काम को खुशहाल होता हुआ देखना चाहता है। नवाज शरीफ का और कोई एजेंडा नहीं है, पाकिस्तान की सरबुलंदी, अवाम की सरबुलंदी नवाज शरीफ का एजेंडा है। मैं शहबाज साहब को कहूंगा, नौजवानों इंशाल्लाह
ایک تو اللہ کے فضل و کرم، میں نے شہباز صاحب کو کہا ہے ایک لاکھ لیپ ٹاپ بھی کم ہے، یعنی کمپیوٹر چھوٹے کو لیپ ٹاپ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، وہ کم ہے۔ اگلے بجٹ جو کہ 3-4 مہینوں کے بعد شروع ہوگا اس میں 2 لاکھ یا 3 لاکھ لیپ ٹاپ جو ہیں وہ رکھے تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ ملے، یہ آگے بڑھے کام، یہ ترقی کرے اور یہ اپنا دنیا کے اندر اپنا لوہا منوائے۔ اور پھر میں شہباز صاحب کو یہ بھی کہوں گا کہ گجراوالا میں یہ کشتی کے دنگل زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے اور دنیا بھر سے ٹیمیں آئیں، دنگل ہو، کسی دن آپ مجھے بھی بلاؤ، میں بھی آؤں گا دنگل دیکھنے کے لیے۔ اور عثمان ابراہیم صاحب کو بھی میں درخواست کروں گا، ان کو خرم کو بھی درخواست کروں گا، گجراوالا کے باقی ایم این اے صاحبان کو بھی، وک صاحب کھڑے ہیں، اور گجراوالا کے ایم پی اے صاحبان کو بھی گزارش کروں گا، گجراوالا میں جتنی خالی جگہ پڑی ہوئی ہیں بڑی بڑی اس طرح کی، ان کو کرکٹ گراؤنڈز میں، فٹ بال گراؤنڈز میں ہم ان کو تبدیل کریں، اور لوکل ٹیمیں جو وہاں اس علاقے کی، محلے کی جو ٹیمیں ہیں ان کو کھیلنے کے لیے دے دیں کہ یہ آپ کے حوالے ہیں، آپ ان گراؤنڈوں پہ لڑکے کھیلیں اور اچھی ایک ہیلدی قسم کی وہاں پہ سپورٹ ہو، وہاں پہ جمنیزیم بنا جائے، وہاں پہ کرکٹ بھی کھیلی جائے، فٹ بال بھی کھیلا جائے، ہاکی بھی کھیلا جائے، والی بال بھی کھیلا جائے۔ میں شہباز شریف کو کہوں گا اگلے ایک ہفتے کے اندر، 10 دنوں کے اندر وہ خود گجراوالا میں آئیں، آ کر یہاں بیٹھیں اور اس کا خود فیصلہ کر کے پھر وہ واپس لاہور جائیں۔ یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ مل کر پاکستان کا بڑا زبردست نعرہ لگاؤ، میرے ساتھ مل کر، پاکستان زندہ باد۔ ابھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں گجراوالا کے شیروں کا بھی نعرہ لگاؤں، میں یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بھی لگائے، یہ سامنے نوجوان بھی، بزرگ ہماری بہنیں رائٹ لیفٹ میں جو بیٹھی ہیں وہ بھی نعرہ لگائیں، گجراوالا کے شیروں۔ ایک آخری پھر پاکستان کا، لیکن بہت بلند، بہت بلند، یہ جہاں جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں نا ان کے علاقوں تک بھی آواز پہنچنی چاہیے، پاکستان زندہ باد۔